अल्लाम वल्ला वबरक नमाज के बाद आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह सर पर हाथ रख कर पढ़ते हैं कुछ लोग इस तरह उंगलियों पर पढ़ते हैं कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो आँखों पर इस तरह हाथ रख कर पढ़ते हैं कुछ लोगों को देखा होगा कि इधर सीने पर हाथ रख कर पढ़ते हैं और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि मालूम नहीं क्या पढ़कर हाथों पर फूकते हैं और अपने पूरे जिस्म पर मलते हैं आप सोचते होंगे कि आखिर वो पढ़ते क्या हैं तो पांचों चीज़ों को आज इन हम आपके सामने क्लियर करेंगे ध्यान से सुनकर समझ लीजिए जो लोग यहाँ पर हाथ रख कर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो याद रखिए कि वो क्या पढ़ते हैं वो या कवि या कवियो या कवी ग्यारह मरतबा पढ़ते हैं इसका फ़ायदा ये बताया गया है कि जो शख़्स हर फर्ज़ नमाज के बाद या कवि यो या कवि यो या कवि यो इस तरह सर पर हाथ रख कर ग्यारह बार पढ़े तो इन शह उसका हाफजा मजबूत होगा हाफज़ा कमज़ोर नहीं होगा कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उंगलियों पर इस तरह गिन कर पढ़ते हैं ना दोनों हाथों की उंगलियों पर गिनते हैं देर तक पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं वो तस्बी फातिमी पढ़ते हैं तस्बी फातिमी क्या है तैंतीस मरतबा सुबहान अल्ला तैंतीस मरतबा अलहदुल्ला और चौंतीस मरतबा अकबर, ठीक है इसको तस्बी फातिमी कहते हैं अब ये जो हमारा हमारी उंगलियों का खाना रहता है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ठीक है तो एक उंगली में पंद्रह फिर एक उंग एक, एक हाथ में पंद्रह एक हाथ में पंद्रह 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 तीस हो गए और फिर तीन मरतबा आप पढ़ लीजिए तो तैंतीस मरतबा सुबहान अल्लाह फिर इसी तरह तैंतीस मरतबा अलहमदिल्ला और फिर चौंतीस मरतबा अकबर, इसको तस्बी है फातिमी कहते हैं इसकी फ़जीलत ये है कि अगर कोई इंसान थकावट महसूस करता हो जो है थक जाता हो काम वग़ैरह करते करते तो फिर उस शख्स को चाहिए कि इस तस्वीर को पढ़े इंशाल्लाह थकावट दूर होगी और फिर इसके जो अल्फाज हैं वो अल्लाह की सबसे बेहतरीन तारीफ़ वाले अल्फाज हैं इंशाल्लाह सवाब भी ख़ूब मिलेगा कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ पर दिल पर हाथ रख कर कुछ लोग पढ़ते हैं अब वो क्या पढ़ते हैं तो वो दरअसल क़र मुक़द्दस की एक आयत है अला बिविक तथमाकलूब इसको ग्यारह मरतबा पढ़ते हैं कहा जाता है कि जब दिल घबराए तो इस तरह सीने पर दिल के पास हाथ रख कर अला बिदिक के तथमाकलूब ग्यारह मरतबा पढ़े इन दिल की घबराहट दूर होगी अलाबिदिक्ला ततमूब का मतलब ये होता है कि खबरदार जान लीजिए कि दिलों को इतमान अल्ला के ज़िक्र से हैं कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इस तरह आँखों पर इस तरह पकड़ कर मालूम नहीं क्या पढ़ते हैं तो उसको भी आप समझ लीजिए कि इस तरह जो आँखों को पकड़ कर पढ़ते हैं ना तो वो दरअसल ग्यारह मरतबा फ़र्ज नमाज के बाद या नूर या नूर या नूर या नूर पढ़ते हैं इसकी फ़जीलत में यह आता है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या नूरु या नूरू ग्यारह मरतबा पढ़े तो इन उसकी निगाह की कमज़ोरी दूर होगी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इस तरह मालूम नहीं क्या पढ़कर हाथों पर फूकते हैं और पूरे जिस्म पर मलते हैं तो वो भी समझ लीजिए कुल आऊज बे फलक एक मरतबा और कुल आऊज बरब्बिल नास एक मरतबा पढ़कर या अगर आपके पास और वक्त हो तो दोनों सूरतें तीन तीन बार पढ़कर अपने हाथों पर इस तरह पूक लें और उसके बाद पूरे जिस्म पर मल लें इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर जिसमें कहीं दर्द तकलीफ़ है तो इन शो दर्द तकलीफ़ दूर होगी इसके अलावा जादू टोना से महफूज रहेंगे और बहुत सारी परेशानियों के लिए भी ये सूरत पढ़ी जाती है तो ये पांच चीज़ें आम तौर पर लोग नमाजों के बाद पढ़ते हैं जिसके हवाले से हमारे साथी पूछते रहते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं समझता हूँ कि आपका मसला हल हो गया होगा गुजारिश है इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें असलकुम वरह वक्